मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम किस तरह अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, किन संघर्षों को सहन करके तुम आगे बढ़ती जा रहे हो। लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हारी उन्नति होगी, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का फैसला कर लिया है और अब तुम्हारी सारी मनोकामना एक एक करके पूरी होती चली जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा अब तक का किया गया जो संघर्ष था वो अब समाप्त हुआ और आज का दिन तुम्हारे लिए बड़ा ही शुभ है और शुभ ही साबित होगा। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने साईं के नाम से ही शुरुआत की है, इसलिए तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हें मिलकर रहेगा। बाबा का आशीर्वाद तुम पा रहे हो और जब भी कोई तुमसे मदद मांगता है तो तुम उसकी मदद भी करते हो। ये सब बाबा देखते हैं और अपने मन में चलने वाले नकारात्मक विचारों को भी साईं के चरणों में तुमने सौंप दिया है, इसलिए अब तुम्हारी प्रगति, उन्नति और तुम्हारी कामयाबी तुम खुद देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ये समय आज से ही शुरू हो रहा है और जो आज के मंगल दिन की शुरुआत है वो साईं नाम से हुई है। मेरे बच्चे, तुम जिस श्रद्धा भक्ति से मुझ तक पहुँचे हो, मैंने ही तुम्हें ये सब प्रदान किया है और अब वो समय है जब कई सुनहरे अवसर तुम्हें प्राप्त होते चले जाएंगे और तुम्हारी एक बड़ी इच्छा भी पूर्ण होगी, क्योंकि तुमने बड़ी श्रद्धा से अपने बाबा को पुकारा है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत प्रयास भी किया है, तो उन प्रयासों का पूरा होने का समय आ गया है और आज का दिन समाप्त होने से पहले तुम्हारी एक मनोकामना भी पूर्ण होगी। ये तुम्हारे साईं का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हर पल मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हें सही दिशा दिखाना चाहता हूँ। तुम जिस तरह आगे बढ़ रहे हो वही तुम्हारा मार्ग है और जो इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो बाबा उसका हाथ थामे रहते हैं। मेरे बच्चे, तुमने जब जब मुझे पुकारा है मैं तब तब तुम्हारे लिए दौड़ा चला आया हूँ और अब तुम्हारे शुभ कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है जिसका तुमने अब तक इंतजार किया था, और वही शुभ फल तुम्हारी मनोकामना के द्वारा तुम्हें दिया जा रहा है। तुम्हारे पापा भी चाहते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा और भी मजबूत हो और तुम्हें ये विश्वास दिलाने बाबा आज तुम तक पहुँचे हैं। मेरे बच्चे, जिस श्रद्धा से तुम मुझ तक पहुँचे हो उसे और भी दृढ़ बनाओ। जो श्रद्धा का दीपक तुमने अपने मन में जलाया है उसे यूं ही जलाए रखना। आज का दिन तुम्हारे लिए बड़ी ही खुशखबरी से भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम अकेले हो? मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। अभी तुम्हें बहुत तरक्की करनी है और आगे बढ़ना है। हाँ बच्चे, क्योंकि तुम सही कार्य में जुड़ चुके हो, उसी कार्य को करते रहो और आगे बढ़ते रहो और मेरे 11 वचनों को जरूर पढ़ना। मैं तुम्हें जल्द ही शिरडी बुलाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।